हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं यस रॉक्स के यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक शानदार ऑफर लेके आया हूँ कि आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, सारा कुछ प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूँ मैं क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते हो तो आपको 20% ऑफ दिया जाता है। जी हाँ, आपका जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पर भी जब आप 10,000 रुपये का मोबाइल परचेस करते हो क्रेडिट कार्ड से तो आपको उसमें 20% ऑफ दिया जाता है फ्रेंड्स, जो कि आपको कैशबैक मिल जाता है अपनी बैंक के अंदर जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो। तो HDFC के क्रेडिट कार्ड से जब आप शॉपिंग करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, फ्री में आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मंगा सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत हो। मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप कौन सा मंगाएं, फ्री में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन से आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, फिर अप्लाई करना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 100% वर्किंग वे मैं बताने वाला हूँ जैसे कि आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा इस एप्लीकेशन के पास पहुँच जाओगे। एप्लीकेशन का नाम है येलो क्रेडिट कार्ड एंड बैंक लोन एंड ऑफर्स एंड मोर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो इस पे पहले मैं आपको इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स इसकी रेटिंग है 4.7 की रेटिंग, क्योंकि जिन लोगों ने इस पे अप्लाई किया है सबको क्रेडिट कार्ड मिल गया है ऑनलाइन, और जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो किसी भी साइट पर। तो आपको यहाँ पर सिंपल ओपन बटन पर प्रेस करना है फ्रेंड्स। ये स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए केवल एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देना। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सीधा आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा OTP लेने के बाद। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे कोटक बैंक, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक है जो, उसका भी मिल जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है HDFC या SIB क्रेडिट कार्ड की। तो ISI बैंक का क्रेडिट कार्ड भी आप इससे ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे करना है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है जिस भी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, जब तक आपको बैंक ना मिल जाए। तो यहाँ पे 15 से 20 बैंक का ऑफर दे रखा है, तो यहाँ पे HDFC का जैसे कि मेरे को चाहिए, क्योंकि HDFC पे हमेशा ऑफर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है क्रेडिट कार्ड पे आपको, और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा छोटा सा अप्लाई का ऑप्शन। यहाँ पे अप्लाई जब करते हो अप्लाई पे, तो वहाँ पे एक वैरायटी, मतलब कि किस तरीके का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो इसके कई क्वालिटीज़ होती हैं, एक आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं, रेगुलर कार्ड और फ्रीडम कार्ड और मतलब कि मनी बैक, मतलब कि यहाँ पे कई तरीके के क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो आपको जैसे कि फ्रीडम के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि ऑनलाइन साइट शॉपिंग के लिए, तो फ्रीडम पर जैसे आप अप्लाई यहाँ पे क्लिक करते हो, आप छोटा सा ऑप्शन दे रखा था ब्लू कलर का, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर एक बार और ऑप्शन आएगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वरना आप यहाँ पे अप्लाई आओ अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें सारी डिटेल मिलेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसे अप्लाई करने के लिए। तो एक दो सेकंड का हम वेट करते हैं, फिर इंटरफेस हमें देखने को मिले। तो एक दो सेकंड का वेट करने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपका फिल करना है जो आपका बैंक में दे रखा हो किसी भी बैंक में। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे एक कोड दिया जाता है छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हो आप छोटा सा कोड, ये यहाँ पे आपको फिल करना है। और फ्रेंड्स आपको मैं नीचे दिखा दूँ, एग्री कन्फर्म आई मेजर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसेस नाउ पर जैसे क्लिक कर देना। प्रोसेस नाउ पर क्लिक करने के बाद आप सीधा बैंक की जो साइट होती है उस पर चले जाते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, वो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक यूज़र गाइड भी होता है फ्रेंड्स, यूज़र गाइड आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, जो कि पर्सनली मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे एक कोड दिया जाता है, जैसे कि इसे मैं डाल लेता हूँ फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स कोड वगैरह डाल के मोबाइल नंबर डाल के। तो यहाँ पे कन्फर्म आई कन्फर्म यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर प्रोसेस टू यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसेस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किया जाएगा पर्सनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड। तो यहाँ पे आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, तो आधार कार्ड यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे पैन कार्ड वगैरह डालने के बाद आपको HDFC का कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो किसी भी साइट पर। अब एक एप्लीकेशन का एक छोटा सा फ़ायदा आपको और बता दूँ, अगर आप कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा लोन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्लिक करना, छोटा सा ऑप्शन दे रखा। तो आपको यहाँ पर कैसा लोन चाहिए, पर्सनली लोन चाहिए या होम लोन या कार लोन या बिज़नेस के लिए लोन चाहिए, तो जिस भी आपको लोन चाहिए जिस भी साइट के ऊपर, मतलब किसी बिज़नेस के ऊपर चाहिए, तो बिज़नेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। और बिज़नेस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि करीब 8 से 9 बैंक आ रही है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पे जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, SBI स्टेट बैंक जैसे कि है, और ICICI बैंक, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो आप। तो मैं जैसे कि एक्सिस से मेरे को लोन लेना है, तो यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे एक यूज़र गाइड। तो लोन लेने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो इस यूज़र गाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए या क्या आपका बिज़नेस है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। मतलब आपका मंथली प्रॉफिट क्या होता है, तो मतलब थोड़ी सी डिटेल आपको बिज़नेस की देनी होती है जब आप बिज़नेस में लोन लेना चाहते हो बिज़नेस के ऊपर। तो
फ्रेंड्स, ये आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आज मैंने आपको बताया जो आपके भविष्य में भी बहुत काम आने वाली है। आगे आप कभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, किसी भी बैंक से अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, और ऑनलाइन ऑफर चलते रहते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑफर्स का ऑप्शन दे रखा है। अगर क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ऑफर चलता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर चल रहा है या अमेजोन वगैरह पर कोई ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे उस पर ऑफर मिल ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है IDBI बैंक में 15% ऑफ है किसी साइट पर, तो यहाँ पर आपको ऑफर भी मिलते रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फ्लिपकार्ट पर कोई पर्सनली ऑफर चल रहा होगा इस पर, तो आपको यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी क्रेडिट कार्ड पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक दो फायदे बता देता हूँ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो ना, तो जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से कोई भी मोबाइल परचेस किया, तो आप 20,000 रुपये का मोबाइल मैंने लगभग परचेस किया, तो क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम 10% ऑफ तो होता ही है अगर आपके पास HDFC का कार्ड है या ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो अप्लाई करोगे तो आपको 2,000 रुपये कैशबैक मिल जाते हैं 10% के माध्यम से। अगर आपका कोई 20% ऑफर मिल रहा है, तो आपको 20,000 रुपये के मोबाइल पे 4,000 आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं कैशबैक, वो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर। फ्रेंड्स, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है, आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है येलो, प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एक बार अप्लाई ज़रूर करें और ट्राई ज़रूर करें एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, जो कि आपके पास होगा ही। और जब आप क्रेडिट कार्ड मंगाना चाहें, तो इस एप्लीकेशन को ओपन करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स। और इन लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है अपना, जिस पे आइए इस एप्लीकेशन की पूरी डिटेल देते रहते हैं। तो आपको उस पे जाने के लिए यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक, और 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको एक यूट्यूब का ऑप्शन। तो यूट्यूब पे जाके आप सीधा इनके यूट्यूब चैनल पे इनडायरेक्ट हो जाते हो, और इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, जैसे मैं सब्सक्राइब करता हूँ, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, जिससे कि जब इस एप्लीकेशन का कोई भी अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जो आपके हमेशा काम आने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।